तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक पे पर व्यू की। फाइनली शो खत्म हो चुका है और भाई ये जरूर बोलूंगा कि जो एक्सपेक्टेड था वो देखने को नहीं मिला, जो हम उम्मीद लगा रहे थे। हैशटैग सेव अ सेथ नहीं हुआ है, लेकिन दिस वॉज अ फैंटास्टिक शो। WWE ने आज पूरे सरप्राइज भरे, शॉक्स भरे, अच्छी रेसलिंग भी दी, और मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज कंटेंडर फॉर पेपर व्यू ऑफ द ईयर। अगर हम बात करें कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे कार्ड ने परफॉर्म करा, आई डोंट थिंक कोई एक भी ऐसा मैच था जिसने अंडर डिलीवर करा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल कार्ड में होने लायक नहीं था, इसने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो सारे शो की हम बात करेंगे भाई। मनी इन द बैंक के विनर्स तो पता लग ही गए हैं, लेकिन एक कैश इन भी देखने को मिला, सरप्राइज एंट्री देखने को मिली, और सरप्राइज विनर्स भी देखने को मिले आज के मैच में। एक सरप्राइजिंग टाइटल चेंज भी देखने को मिला। तो क्लियरली भाई, क्या स्टेफनी मैकमैन के CEO बनने के बाद और ट्रिपल एच को थोड़ी सी वापस पावर मिलने के बाद, क्या उस वजह से सारी चीज़ें सही हो रही हैं? इतनी ज़्यादा उम्मीद अभी हम नहीं लगाएंगे, लेकिन मनी इन द बैंक वॉज अ ब्रिलियंट पे पर व्यू, और हम बात करेंगे सारे मैचेस की। गाइस तो आप वीडियो को लाइक कर दें और एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उस सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें। तो स्टार्ट होता है विमेंस के मनी इन द बैंक लैडर मैच से, और मैं कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल इसमें दो बार दिस इज ऑसम की चैंट्स हुई, जो कि क्लियरली बताता है कि एक अच्छा मैच था। काफ़ी सारे स्पॉट्स में बॉचेस थे, ये मैं ज़रूर बोलूंगा, लेकिन इसको क्रिटिसाइज करने की उतनी नीड नहीं है, क्योंकि एंटरटेनिंग ये मैच था। ऑब्वियसली हर साल में सिर्फ एक बार मनी इन द बैंक मैच होता है, और स्पेशली जब हम विमेंस रोस्टर की बात करते हैं, उतने ट्रेंड नहीं है इस मैच के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक क्लासिक 5-स्टार मैच देखने को मिले, हर स्पॉट बिल्कुल ऑन द पॉइंट हो। ये चीज़ हमें मेंस के मैच के साथ भी देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे स्पॉट्स अच्छे थे। रकेल गोंजालेस, आस्का, आई थिंक इन्होंने मुझे काफ़ी इंप्रेस करा। बैकी लिंच के लिए क्राउड बहुत ज़्यादा हॉट था, और वो पुश कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि बैकी इस मैच को जीते हैं, और बैकी ने काफ़ी अच्छा स्पॉट भी करा, जहाँ पे उन्होंने आस्का के ऊपर एक सेंट ऑन लगाया था। मैं चाह रहा था वहाँ पे लैडर आधी टूट जाए, लेकिन वो शायद ज़्यादा रिस्की था, तो उन्होंने वो चीज़ वहाँ पे नहीं करी है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि WWE ऐसा करेगी। मोस्ट चांस यही था कि बैकी यहाँ पे जीतने वाली, आई थिंक मोस्ट लोगों ने वो प्रिडिक्ट भी करा था, लेकिन मैंने बोला था लिव मॉर्गन एंड एक्चुअली डिड दैट। एक बार फिर से बैकी इतनी सी रह गई थी भाई कि मनी इन द बैंक को उन्होंने ग्रैब कर लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन लिव मॉर्गन ने जो है उनका मैच वहाँ से छीन लिया, और सेकेंड टाइम बैकी के साथ ऐसा हो गया कि वो मनी इन द बैंक को नहीं जीत पाई हैं। तो लिव मॉर्गन इज द मिस मनी इन द बैंक, और मैंने बोला था अपनी प्रिडिक्शंस वीडियो के अंदर कि कैसे ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी लिव के लिए, आगे जाके स्टार बनाया जा सकता है, और WWE ने उस चीज़ को पूरा ट्रू कर दिया, क्योंकि लेटर इन द शो देखने को मिलता है कि उनका एक प्रोमो हुआ जहाँ पे कैश इन की बात करी जाती है, और वो कहती हैं अभी तो मैं जस्ट जीती हूँ, तो मैं इन्जॉय करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मे बी WrestleMania तक मैं इस ब्रीफ केस को रखूंगी, लेकिन ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने एक चैंपियन के अगेंस्ट इस चीज़ को बोला, उसको पूरे अच्छे तरीके से यूज़ भी करा, उसकी हम अभी बात करते हैं, बट ओवरऑल अ फैंटास्टिक ओपनर, मैंने इस मैच को इन्जॉय करा। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं, जो कि एक बार फिर से कमाल था, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, बॉबी लैशली वर्सेस थ्योरी, और मेरे को 100% यहाँ पे लग रहा था थ्योरी इस मैच को जीतने वाले हैं। तो पहला बड़ा शॉक है कि बॉबी लैशली चैंपियन बन चुके हैं, ही इज नाउ अ 3-टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि WWE ऐसा करेगी, लेकिन शो खत्म होने के बाद समझ आ गया कि उसका रीजन क्या है, तो उसके बारे में भी हम अब बात करते हैं। लेकिन दिस मैच बिटवीन लैशली एंड थ्योरी प्रूव्ड कि थ्योरी आगे जाके कितना बड़ा स्टार बनने वाला है भाई। उनकी अलग एक प्रेजेंस अब फील होती है, रेसलिंग वाइज इज ग्रेट, और बॉबी लैशली जो एज अ बेबी फेस इस टाइम पॉपुलर हो रहे हैं WWE में, इसका क्लियरली सही टाइम पे यहाँ पे फायदा उठाया गया है। और ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पे स्पीयर लगा दिया था लैशली को, उन्हीं के फिनिशर से वो उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, बट बॉबी लैशली हिट द हर्ट लॉक, और यहाँ पे गाइस उन्होंने जीत लिया द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप फॉर द 3rd time इन हिज करियर। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस डिसीजन से, एक्सपेक्टेड नहीं था तो शॉक एलिमेंट ज़रूर था, एंड बॉबी विंस द टाइटल, तो उनको अब पुश करा जा सकता है। आई डोंट नो कि अब थ्योरी का मैच जॉन सीना के साथ होगा, क्या उनका फ्यूचर रहने वाला है, लेकिन उनका फ्यूचर चेंज होता हुआ दिख रहा है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। अमेजिंग मैच था ये भी। नेक्स्ट की बात करते हैं, बियांका बेलेर अगेंस्ट कार्मेला, और एक बार फिर से आई थिंक इस मैच ने ओवर डिलीवर करा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ठीक ठाक सा मैच होगा। ये मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, बट दिस वॉज अ गुड मैच। ज़्यादा बॉचेस देखने को नहीं मिले, और इतना मैं बोलूंगा कि आज दोनों विमेंस चैंपियनशिप मैच में कंटेंडर्स ऐसे थे जो ज़्यादा हमको देखने को मिलते नहीं है मेन इवेंट के टाइम पे, और उन्होंने आज डिलीवर कराया, नटालिया और कार्मेला दोनों ने। यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि बियांका अपना टाइटल रिटेन करेंगी, वही देखने को मिला, उन्होंने KOD से डिफीट कर दिया कार्मेला को।
मैच के बाद कार्मेला अटैक करती हैं बियांका को, काइंड ऑफ लग रहा था कि लिव मॉर्गन आके कैश इन कर सकती हैं, लेकिन इस पॉइंट पे गाइस हमको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अ गुड मैच राइट हेयर एंड बियांका इज स्टिल द रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद आई थिंक दिस वॉज द मैच ऑफ द नाइट और विदाउट अ डाउट इसको प्रेज मिलनी चाहिए। और यहाँ पे दो चीजें हैं जो आज मुझे रियलाइज हुई हैं। पहली ये कि भाई टैग टीम रेसलिंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ रेसलिंग, और WWE अगर फोकस करने लग जाए अपनी टैग टीम डिवीजन में तो ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो कि भाई हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है फिर फॉर टैग टीम रेसलिंग। दूसोज वर्सेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स, और मैं बोलूंगा कि ये दो टॉप टीम्स हैं WWE की, आई डोंट थिंक इन दोनों से कोई बेटर है, और जो इनकी केमिस्ट्री है इतने टाइम से आपस से लड़ रहे हैं, लेकिन हम जानते थे कि अगर इसको टाइम दिया जाएगा तो ये एक मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर बन सकता है, मैंने प्रिडिक्शंस में बोला था, और ये मैच ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल था, बट दिस वॉज अ 5-स्टार क्लासिक गाइज। इतने सारे क्लोज किकआउट थे इस मैच के अंदर कि एक पॉइंट पे तो मुझे भी बिलीव हो गया था कि शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आज टाइटल लेके जाएंगे एंड दे विल बिकम द अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस, बट एट द एंड ऐसा हुआ नहीं है। उसोज ने अपनी स्प्लैश लगाई, डबल सुपर किक्स लगाई, अपना स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने फिनिशर लगाया, मॉन्टेस फोर्ड ने क्या क्या नहीं करा, अपनी स्प्लैश भी लगाई उन्होंने भी, लेकिन तब भी उसोज फाउंड अ वे आउट एंड एट द एंड उन्होंने एक 1D लगाया अपना फिनिशर एंड दे पिंड यहाँ पे। लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल फिनिश देखने को मिला क्योंकि रेफरी की तरफ से गलती हो गई और मॉन्टेस फोर्ड का शोल्डर एक्चुअली ऊपर था जब रेफरी ने 3 पिन काउंट कर लिया है। तो ये स्टोरी लाइन क्लियरली कॉन्टिन्यू हो रही है, जो कि काइंड ऑफ लग रहा है कि आखिर क्यों WWE अभी भी इस मैच के पीछे पड़ी है। लेकिन जीरो कंप्लेंट्स रहेंगे मेरी क्योंकि जो इन्होंने आज मैच दिया है भाई, इट वॉज अ पेपर व्यू लेवल 5-स्टार क्लासिक, एंड आई थिंक कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि दिस इज माई मैच ऑफ द नाइट, भले ही जितना भी अच्छा मेंस का मैच था जो लैडर मैच हमको देखने को मिला, बट हियर उसोज वॉन द मैच। आई थिंक डेफिनेटली रीमैच होगा SummerSlam में, बट दे आर स्टिल द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद गाइज ये एक प्रोमो सा एयर हुआ आज जहाँ पे बहुत सारी क्रीपी चीजें देखने को मिली और लोग बोल रहे हैं कि एक टीजर था फॉर ब्रे वायट्स रिटर्न। हो सकता है काफी सारे उसमें ऐसे हिंट थे क्योंकि क्रीपी जरूर था, एक बंदा दिखा रहे थे उसकी सिर्फ शैडो, लग रहा था कि शायद ब्रे वायट के साइज का बंदा हो सकता है, लेकिन फिर एक गोल्ड मेडल देखने को मिला, चश्मा देखने को मिला और एक टेक्सस की नंबर प्लेट। तो आई डोंट नो क्या ये सारी चीजें ब्रे वायट की तरफ पॉइंट करती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना। इसके बारे में और डिटेल में हम जरूर जाएंगे जब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन आपके क्या थॉट्स थे इस टीजर के ऊपर, क्या हो सकता है, किसका रिटर्न यहाँ पे टीज करा जा रहा है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये था फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन रोंडा राउजी एंड नटालिया। और फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ, इस मैच ने ओवर डिलीवर करा जस्ट लाइक द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। सबमिशंस इसकी मेन गेम थी, कौन यहाँ पे टैप आउट करेगा वो फिर से स्टोरी लाइन थी काइंड ऑफ, जो रोंडा और शार्लेट के साथ भी हमको देखने को मिली थी। लेकिन क्लियरली गाइस दिस वाज अ गुड मैच और नटालिया को भी इतना मौका नहीं मिलता है टू बी इन दिस टाइटल पिक्चर, लेकिन इस बार उन्होंने दिखा दिया कि शी कैन डू इट ऑन द बिगेस्ट लेवल, तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूंगा। और ये मैच रोंडा राउजी का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है आई थिंक सिंगल्स मैचेस जो कि मैंने WWE के अंदर देखा है। कोई यहाँ पे ज्यादा बॉचेज नहीं थे, टेक्निकली काफी अच्छा था, जो रिवर्सल्स देखने को मिले एक सबमिशन से दूसरे में वो मुझे काफी पसंद आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम जानते थे कि एट द एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, रोंडा अपना टाइटल रिटेन करेंगी और उन्होंने टैप आउट करा दिया यहाँ पे एक आर्मबार लगा के नटालिया को। काफी ज्यादा क्लोज थी नटालिया, उन्होंने अपना शार्प शूटर भी लगाया, बट रोंडा हैड एवरी रिवर्सल इन हर बुक एंड शी रिटेन द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। लेकिन गाइज क्योंकि यहाँ पे मैच के अंदर रोंडा की नी इंजर्ड थी और स्टोरी लाइन में दिखाया जा रहा था, इसका फायदा उठाया लिव मॉर्गन ने क्योंकि वो बाहर आई, शी कैश्ड इन हर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस, और पहले ऐसा लग रहा था कि शायद एक फेलियर हो सकता है क्योंकि रोंडा ने उनके ऊपर एंकल लॉक लगा के रखी काफी देर तक, बट लिव मॉर्गन केम बैक रोल अप रोंडा राउजी और यहाँ पे उन्होंने हरा दिया रोंडा को टू बिकम द न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। तो ये फेरी टेल स्टोरी आज लिखी गई मनी इन द बैंक में लिव मॉर्गन के लिए एंड इट वॉज फैंटेस्टिक, शी हैज कैश्ड इन सक्सेसफुली और आई थिंक यहाँ से उनका WWE करियर, जो मेन करियर है वो स्टार्ट होता है बिकॉज शी इज नाउ ऑन स्मैकडाउन और वो आगे रेन कर सकती हैं। रोंडा राउजी ने उनको अप्रिशिएट करा, गले मिला उनको, इनफैक्ट टाइटल भी खुद ही दिया एंड आई थिंक रोंडा राउजी शायद या तो टाइम ऑफ लेंगी या फिर उनकी अलग स्टोरी लाइन अब हमको देखने को मिल सकती है। बट WWE ने बिल्कुल मौके पे चौका मारा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी और शॉक था ये भी बहुत बड़ा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि समर स्लैम से पहले कोई चांस है रोंडा का टाइटल हारने का। सो अनदर गुड डिसीजन, अनदर ग्रेट मैच एंड आई एम रियली हैप्पी कि लिव मॉर्गन अब टाइटल जीत चुके हैं।
और फाइनली बात करते हैं अपने मेन इवेंट की, जो कि था मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। और यहाँ पे एक सरप्राइज फिर से WWE ने दिया, काफी भाई आज रेडी थे सरप्राइजेस के लिए, और एक एक्स्ट्रा एंट्री हमको देखने को मिली इन दिस मैच, और वो थी एडम पियर्स की तरफ से, एंड इट वॉज थ्योरी। जैसे ही उनको मैच में डाला गया, मुझे पता था कि भाई हो गया काम, सेथ रॉलिंस नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी को ऐड करने का मतलब ही क्या है अगर वो मैच नहीं जीत रहे हैं। विंस मैकमैन के पास थ्योरी गई कि भाई मैं टाइटल हार गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। विंस ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनको डाला गया इस मैच के अंदर, एंड ही वॉन द फ्रिकिंग मैच। थ्योरी इज मिस्टर मनी इन द बैंक, उस पर हम आते हैं, लेकिन इस मैच की पहले बात करें तो एक बार फिर से बिल्कुल कमाल था। मेन गेम यहाँ पे थी कि ओमोस को कैसे एलिमिनेट करा जा सकता है। तो सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर ओमोस को एक क्लेमोर किक लगाते हैं, फिर सारे मिलके लैडर्स की पूरी जो पाइल है वो फेंक देते हैं ओमोस के ऊपर, लेकिन तब भी ओमोस वापस आ जाते हैं। और देखने को मिलता है कि ये एंड में सारे लोग अपने मूव्स लगाते हैं ओमोस के ऊपर और उनको उठा के अनाउंसर्स टेबल के थ्रू बिल्कुल भाई फेंकते हैं, क्रैश एंड बर्न जिसको बोला जाता है। तो वो काफी कूल शॉट था, क्योंकि सबको एक साथ होना ही पड़ना था टू डिफीट ओमोस इन दिस मैच, बिकॉज ही वॉज जस्ट टू गुड। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे स्पॉट्स भी थे इस मैच के अंदर, जैसे कि एक पावर बॉम्ब देखने को मिला जो कि मैडकैप मॉस ने लगाया थ्रू द लैडर ऑन सैमी ज़ेन। रिडल सब पे अपना मूव लगाते हैं भाई, लैडर के ऊपर चढ़ के एक फ्लोटिंग ब्रो लगाई, वो काफी बढ़िया चीज देखने को मिली। और इसके बाद गाइस, जब फाइनली ऐसा लगता है कि ड्रू मैकइंटायर काफी क्लोज हैं टू विन द मैच, बुच आते हैं बाहर और शेमस के साथ मिलके उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को जीतने से यहाँ पे जो है वो रोक लिया। एंड एट द एंड जब रिडल और सेथ रॉलिंस दोनों काफी ऊपर थे और एक लंबी लैडर यहाँ पे रिडल ने निकाल ली थी, सेथ रॉलिंस को रिडल लगाते हैं आरकेओ फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट लार्जेस्ट लैडर पॉसिबल जो कि थी उनके पास। तो उस पॉइंट पे सेथ रॉलिंस जो है उनकी गेम हो गई थी खत्म, और सिर्फ एक ही बंदा बचता था, या तो रिडल या फिर थ्योरी। और रिडल जबकि टॉप ऑफ द लैडर पे थे, थ्योरी स्टिल डिफीटेड हिम, एंड थ्योरी इज मिस्टर मनी इन द बैंक। तो WWE का एक क्लियर आइडिया यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया कि भाई ये हमारा नंबर वन स्टार है, एंड आई लव इट बिकॉज थ्योरी इज एक्चुअली गुड। ऐसा नहीं है कि उनको पुश क्यों करा जा रहा है, उनको मनी इन द बैंक दिया गया है। आई डोंट नो कि वो क्या कैश इन करने वाले हैं रोमन रेंस के ऊपर या ब्रॉक लेसनर के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड थ्योरी, और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हराने के बाद उनको रेलिवेंट रखने के लिए ये मूव करा गया है। एंड आई डोंट हैव एनी इशू, ऑब्वियसली मैं चाहता था कि सेथ रॉलिंस जीते, क्या फिर रिडल जीत सकते थे इस मैच को, सैमी ज़ेन जीत सकते थे, लेकिन अगर WWE कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रही है, कुछ ऐसा जो हम नहीं सोच पाए, आई एम ऑल फॉर इट, और मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इलॉजिकल चीज नहीं लग रही है। कुछ लोग ऑब्वियसली आज सोच रहे होंगे भाई इतना पॉजिटिव रिव्यू कैसे, बट दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम मी। अगर इतना अच्छा शो WWE दे तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिव्यू इट लाइक दिस गाइस। तो ये था आपका मनी इन द बैंक पे पर व्यू का रिव्यू गाइस, और सारे मैचेस आज अच्छे थे, कुछ है नहीं ज्यादा उल्टा बोलने के लिए। आई होप कि ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो। क्या इसका रीजन स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच हैं? अगर ऐसा है तो भाई और भी बढ़िया बात है, बट मनी इन द बैंक वॉज अ सक्सेस, एंड लिव मॉर्गन इज द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, बॉबी लैशली इज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, एंड थ्योरी आउट ऑफ ऑल पीपल इज मिस्टर मनी इन द बैंक। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है गाइज लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।